हेलो बच्चों, अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल गुड। टुडे इज सैटरडे। नाउ क्लास स्टार्ट इज इंग्लिश पीरियड। आपको डेट दिखाई दे रही है बेटा, क्या है डेट? 1111। क्या है डेट? 1111। विच मंथ? 7। विच ईयर? 2020। आपको अल्फाबेट लिखने हैं ए से लेके एस तक। कहाँ से? ए से लेके एस तक। ए से लेके एस तक आपको अपनी नोटबुक में अल्फाबेट लिखने हैं। कैसे लिखने हैं वो हम आपको नोटबुक में बताते हैं। ध्यान से देखिए। डियर स्टूडेंट, आपको नोटबुक में दिखाई दे रहा है ए से लेके एस तक हमें अल्फाबेट लिखने हैं, और इस तरीके से आपको डॉट भी दिखाई दे रहे होंगे। वन पेज सी डब्ल्यू एंड वन पेज एस डब्ल्यू। कैसे बनाएंगे हम? जैसे हमने स्टार्टिंग में ए बनाया था, प्रॉपर यहाँ से आप इस तरीके से आप ए लेटर बनाइए। बताया था बेटा, ध्यान से कैसे बन गया ए। फिर नेक्स्ट आप 1 2 3 स्टैंडिंग लाइन, छोटा सा स्मॉल ब्लू लाइन तक कर्व करिए। नेक्स्ट फिर एक और कर्व करिए, क्या बन गया? बी फॉर बॉल। क्या बन गया? बी फॉर बॉल। नेक्स्ट आप क्या है ये आपका ए, ए के बाद बी, बी के बाद क्या आता है? सी। क्या आता है? सी। फर्स्ट आप रेड वाली लाइन पर पॉइंट पेंसिल रखिए, और यहाँ से आप ब्लू वाली लाइन तक सी बनाइए टच करते हुए। क्या बन गया आपका? सी। क्या बन गया? सी फॉर कैट। नेक्स्ट आप फर्स्ट आप लाइन पर रेड वाली लाइन पर पेंसिल रखिए, और 1 2 3 लाइन तक आप स्टैंडिंग लाइन बनाइए। स्टैंडिंग लाइन बना के फिर यहाँ रेड वाली लाइन से लेके कर्व बनाइए, और यहाँ पर लाइन को मिला दीजिए। तो क्या बन गया आपका? डी। डी फॉर डॉग। नेक्स्ट आपका ए के नीचे यहाँ पर पॉइंट रखिए, स्टैंडिंग लाइन बनाइए, फिर स्लिपिंग लाइन बनाइए रेड वाली लाइन पर, ब्लू लाइन पर, फिर नेक्स्ट ब्लू लाइन पर। तो क्या बन गया? ई। ई फॉर एलिफेंट। क्या बन गया? ई फॉर एलिफेंट। नेक्स्ट आप डी के नीचे 1 2 3 3 लाइन तक आप स्टैंडिंग लाइन बनाइए। क्या बनाइए? स्टैंडिंग लाइन। टू स्लिपिंग लाइन बनाइए रेड वाली लाइन पर 1, नेक्स्ट फिर रेड पर, ब्लू पर। तो आपके क्या बन गया? टू स्लिपिंग लाइन हो गया। तो ये क्या बन गया? एफ। एफ फॉर फेस। फिर क्या आया एफ के बाद? क्या आया बताइए? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ई फॉर एलिफेंट, एफ फॉर फेस, जी फॉर गर्ल। सी के नीचे क्या बनाइए? सी बनाया था वैसे ही बनाइए, बन गया। फिर ऊपर की तरफ छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, छोटी सी स्लिपिंग लाइन, नेक्स्ट नीचे की तरफ स्टैंडिंग लाइन। तो क्या बन गया आपका? जी फॉर गर्ल। नेक्स्ट क्या आया बताइए? क्या आया? जी के बाद क्या आता है? एस। क्या आता है? एस। 1 2 3 3 लाइन पर स्टैंडिंग लाइन, बीच वाली लाइन पर छोटी स्लिपिंग लाइन, नेक्स्ट 1 2 3 लाइन पर स्टैंडिंग लाइन। तो क्या बन गया आपका? एस फॉर हैंड। ए फॉर एप्पल, बोलिए स्पीक लाउडली, ए फॉर एप्पल, B for ball, C for cat, D for dog, E for elephant, F for fish, G for girl, H for hand। तो बेटा आपको देखो यहाँ पर भी टू लाइन छोड़ के पॉइंट दिखाई दे रहा है, सेम इसी तरह आप मैंने जैसे यहाँ बताया है आपको वैसे ही आपको यहाँ पर करना है। तो वन पेज सी डब्ल्यू एंड वन पेज एस डब्ल्यू। ओके बेटा, प्रॉपर राइट, नीट एंड क्लीन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।